गाइस फाइनली शाम हो चुकी है और हम आज नाइट इधर ही स्टे करने वाले हैं। और मेरे फ़ोन का जो बैटरी है वो भी डिस्चार्ज होने वाला है, अभी 5% बैटरी है मेरे फ़ोन में। और हो सकता है कि हम अगर इधर यहाँ से कल जाएंगे तो कल का जो ब्लॉग होगा हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो बैटरी नहीं होगा तो फिर हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो मनी भाई हमारे साथ ही, मनी भाई कैसा लगा आपको यहाँ नहा के? बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा अच्छा दिल लगा। बहुत ज्यादा खुश हो गया। कितने दिनों से नहीं नहाए थे? मैं 22 को नहाया था आज। सो गाइस अभी हम अपना पैकअप करके जा रहे हैं, तभी शिला टॉप की ओर जाएंगे। अंकुश भाई और उनका जो दोस्त है उनका इधर आना कैंसिल हो गया है। भाई प्यास बहुत जोर की लगी है, अब देख सकते हो बोरो भाई पानी पी रहे हैं। हाँ मुझे भी पीना है पानी। बॉटल कहाँ है? बॉटल भर लो ना। सो गाइस हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारा बैग यहाँ पे रख दिए हैं। उधर से आने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पैदल चला नहीं जा रहा था यार, इतना ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था बैक में, पैर में, मतलब चला नहीं जा रहा था क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, तो बैग था तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था चलने में। सो अभी हम यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दिए हैं। सो अभी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आएगा तो हम मांगेंगे। हालांकि दो चार गाड़ियाँ गई, लिफ्ट मांगा मैंने लेकिन दिया नहीं, और फिर देखते हैं कोई आएगा तो फिर हम मांगेंगे लिफ्ट। नहीं दिया यार। हम तो वो जसवंत सिंह वार मेमोरियल है ना, वापस जा रहे हैं, थोड़ा आगे तक छोड़ देना। थैंक यू। कपड़ा पीछे में रखो। हाँ। और पीछे में गंदा लग जाएगा। डाल दो यहीं सब। हम लोग तवांग से आ रहे हैं, बट हम लोग रात में जंग वाटरफॉल है ना वहाँ पे हम लोग कैंपिंग करा था। नीचे जो कहाँ से आया? नीचे मैं बिहार से हूँ, मेरा ये भाई है दोस्त, मैं असम से। ये असम से बोर्ड जॉब नहीं, घूमने के लिए आया था, ट्रैवलिंग के लिए। हाँ ट्रैवलिंग के लिए आया है हमें, कैंपिंग करने आया। गाइस अभी हम गाड़ी से उतरे हैं लंच करने के लिए, अभी टाइम ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे हैं और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम जाते हैं लंच करने के लिए। तो चलिए हम लंच करते हैं। सो गाइस आज के लंच में कुछ ऐसा ही है, आप देख सकते हैं मैगी खा रहे हैं। सो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच भी हो गया है, जो कह लीजिए आप। अभी फिर हम अपना सफर शुरू करते हैं। सो गाइस मैंने भैया को बोला कि मुझे थोड़ा इधर जसवंत गार्ड मेमोरियल है ना वो थोड़ा देखना था, सो मैं थोड़ा जल्दी से जाके ऊपर जाके देख रहा हूँ। मैं जाते टाइम मैंने देखा नहीं था, वो भी थोड़ा जल्दी में है तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जाके देख सकते हो, मैं वेट कर लूँगा 1-2 मिनट के लिए आपका। सो गाइस यहाँ पर 1962 के वॉर से रिलेटेड सारी जानकारी लिखी हुई है और यहाँ पर दर्शाया गया है कि
जसवंत सिंह रावत जी ने अकेले चाइना के 300 से अधिक फोर्सों को मार डाले थे युद्ध में, और अंततः जसवंत सिंह रावत जी उस युद्ध में अकेले 72 घंटे तक चाइनीज फोर्सों से मुठभेड़ में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी जसवंत सिंह रावत जी की आत्मा यहाँ पर रहती है, वो आज भी अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी हिस्सा में वो आज भी देश की रक्षा करते हैं, और आज भी उनका जूतसूझ जो है वो पॉलिश किया जाता है, आज भी उन्हें प्रमोशन मिलता है यहाँ पर। सो कुछ ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। और गाइस यहाँ पर जसवंत सिंह गार मेमोरियल में यहाँ पर चाय की लंगर लगती है। राम से राम से राम। तो गाइस इधर मैं उतरा था तो जसवंत गार मेमोरियल देखने के लिए, तो भैया ने बोला कि इधर चाय मिलता है तो आप उधर जाके ट्राई कर सकते हो चाय। तो हम वही इधर आए चाय पीने के लिए, आप देख सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर में। गाइस चलिए हम फिर से गाड़ी में बैठते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा पीछे लगा। यो मैन देयर आई एम गोइंग। पानी बहुत भर गया, डूब गया, देखो ना वहाँ खराब हो गया बेटा था पहले। जाने तो ऐसे मत करना, हम लोग इमरजेंसी बहुत सुंदर है ना। अरे वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। कौन से में भाई दारू पी का गिटार में का एक गाना गाएगा, बस वीडियो भी बना के ना करता हूं। हम लोग उधर से उधर से जाएंगे, इधर से खाने के बहुत फूल जा रहे, तुम वॉक करो यहाँ गाड़ी से उतर चुके हैं रामा कैंप में। नहीं नहीं ये मेरे पास है, मेरे पास है, यहाँ है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है, कॉल करेंगे फिर आपको। ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है। बाय बाय। सो गाइस इधर ये लोग आ गया है, मनी और अंकुश, इधर हम उसका वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो आ चुका है। और यहाँ से हम कोई विलेज जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ठंडे हाल है भाई, गर्म पानी तक तीन किलोमीटर है। और इससे सो गाइस फाइनली हम चारों एक साथ मिल चुके हैं, और आज हम फिर से साथ में ही कैंपिंग करेंगे रात में। तो हमारे साथ फिलहाल हैं अंकुश भाई। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्कूल में। स्कूल में तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रात को रुकना है। स्कूल में तो शाम में जाएंगे, उससे पहले कहाँ जा रहे हैं अभी हम? गर्म पानी में नहाने के लिए। मनी भाई आज, मनी भाई को 7 दिन हो चुका है नहाए हुए, वही पे आ रहा है वो। मनी भाई जब देखेंगे वीडियो तो उनको पता चलेगा कि उनकी बेइज्जती इधर हो रही है। बोलता है भाई, उसने खुद रिवील कर दिया मेरी वीडियो में कि वो 7 दिन हो चुका है नहाए हुए। मैं भी काउंट करता हूँ रोज यार। कल भी मेरे को पता कहाँ लेके चला गया वो, एक था वहाँ पे 3 किलोमीटर जंगल में लेके चला गया नहाने के लिए, फिर बोलता पानी गंदा है। मैं तो कल नहाया था वाटरफॉल में, मतलब नदी में नहाया था, बहुत ज्यादा ठंडा पानी था, थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया है अभी तो। आज देखते हैं, आज फिर नहाएंगे अगर पानी गर्म होगा। अभी हम फिर से चारों दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दो दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि एक साथ फिर लिफ्ट मांगना लाइक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम अलग अलग अभी चल रहे हैं, और फिर से हम हॉट स्प्रिंग आ गए हैं। सो जहाँ हॉट वाटर मतलब निकलता है, तो वहाँ हम फिर से मिलेंगे, वहाँ साथ में नहाएंगे। देखते हैं लिफ्ट वगैरह मांगते हैं, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही है पीछे से। दिरांग हॉट स्प्रिंग छोड़ देंगे, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मुझे हॉट स्प्रिंग जाना है अभी, ठीक है पहुंचा देते हैं आप। हाँ हाँ थैंक यू। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉट स्प्रिंग, इसको लगाओ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉट स्प्रिंग। भाई साहब मैं आपको दिखाऊं क्या कैमरे में? भाई इस तरह से लोग नहा रहे हैं, मनी भाई भी नहा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अब हम नहाने के लिए। तो हम आपसे मिलेंगे फिर से नहाने के बाद, क्योंकि नहाते टाइम तो शूट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरा जो फोन है वो खराब हो सकता है। तो हम आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस फाइनली हॉट स्प्रिंग में नहा चुके हैं हम लोग और अभी हम जा रहे हैं रूम की ओर। सो अभी तो अंधेरा हो गया है। सो भाई साहब उधर पीछे से लाइट दे रहे जिस वजह से हम शूट कर पा रहे हैं। तो मनी भाई हमारे साथ ही, मनी भाई कैसा लगा आपको यहाँ नहा के? बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा अच्छा दिल लगा। बहुत ज्यादा खुश हो गया। कितने दिनों से नहीं नहाए थे? मैं 22 को नहाया था, आज 26 होगी तो आज नहाया हूँ। क्यों नहीं नहाया ये वीडियो में अभी डालना, ठीक है? क्यों नहीं नहाया कि भाई बहुत ज्यादा ठंड थी। ये जैकेट आप देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा नहाएगा या नहीं नहाएगा, ठीक है? सो गाइस हम आपसे मिलते हैं रूम पे पहुंचने के बाद। थैंक यू। सो गाइस अभी हम इस ट्रक से लिफ्ट लिए थे और अभी हम उतर चुके हैं, हमारा सामान वगैरह यहाँ रखा हुआ है। सो गाइस अभी हम लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं। सो फाइनली आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम लकड़ी किस लिए कलेक्ट कर रहे थे। सो गाइस इधर अभी अपना चिकन बन रहा है और मनी भाई बना रहे हैं। मनी भाई बना दिया भाई, खुशबू देखो आ रही है तुमको? खुशबू मुझे तो आ रही है, ऑडियंस को नहीं आ रही होगी ना? तुमको आ रही है ना? तुम फील करके बताओ। हाँ बहुत अच्छा है, फिलहाल खाने के बाद बताऊंगा कि कैसा बना, एग्जैक्ट कैसा है। उंगले चाटते रह जाओगे भाई, ये तुम मेरा वादा है आपसे, सही है ना? इधर भाई साहब ये वेट कर रहे हैं कि कब से चिकन बनेंगे। नींद आ रही है क्या आपको? तो गाइस फाइनली अपना चिकन बन चुका है और मनी भाई ने अपना ये चिकन बनाया है। सो मनी भाई और इधर है अपना अंकुश भाई और इधर है अपना बोड़ो भाई। हेलो। तो अभी मैं इधर हूँ कैमरा के इस साइड। सो अभी हम खाते हैं चिकन और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।